नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये नारायण परो व्यक्तात् अण्डमव्यक्तसंभवम् अण्डस्यान्तस्त्विमे लोका सप्तद्वीपाच्च मेदिनि श्रुतिस्मृतिपुराणानामालयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शंकरं लोकशंकरं शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम्। श्री सच्चिदानंद भगवान की जय। सद्गुरु महाराज की जय। जय जय राधे नारायण। कल हम रास पंचाध्याय के विषय में कुछ चिंतन किए हैं। देखिए, संपूर्ण शास्त्र का, वेद वेदांत सिद्धांत सभी का एक त्रिकोणिक सिद्धांत ही शेष होता है। ईश्वर, जगत और जीव। आप जितने भी शास्त्र देखेंगे, ये तीनों के बारे में अलग अलग प्रकार से चर्चा है। ईश्वर, जीव और जगत, और कुछ मिलेगा नहीं शास्त्र। इसमें जीव और ईश्वर का संबंध शास्त्र का एक विषय होता है। त्रिकोण, तीन कोण बनेगा, ये तीन बिंदु लगाएंगे तो जीव और ईश्वर में क्या संबंध है और जीव और जगत में क्या संबंध है, जगत और ईश्वर में क्या संबंध है। त्रिकोण बन गया ना। ये संपूर्ण चर्चा इसी के अंदर आती है। कभी आपको पूरे शास्त्र को निचोड़ के, आजकल जैसे कहते हैं कैप्स्यूल बनाना हो तो ये तीन के अंतर्गत सब कुछ आ सकता है। अब ये जो तीन है, त्रिकोण है, इसको आप कौन से शास्त्र के अनुसार बोल रहे हैं
उस हिसाब से उस संबंध में अंदर आएगा। है तो ये तीनों है। अद्वैत सिद्धांत में चर्चा करेंगे तो ये तीनों को अंततः एक बताएगा, ठीक है। और द्वैत में, द्वैत जितने सिद्धांत हैं उसमें चर्चा करेंगे तो तीनों को अपनी अपनी स्थिति में सत्य बताएंगे। और कोई दो को सत्य बताते हैं, कोई तीन को सत्य बताते हैं, त्रैत या द्वैत और अद्वैत। त्रैत का अर्थ तीन से युक्त, द्वैत का अर्थ दो अवशिष्ट रहेगा, और अद्वैत में ये तीनों एक हो जाता है। तीनों की चर्चा है, तीनों के विस्तार से विचार है। पूरा ब्रह्मसूत्र आप देखेंगे, वेदांत अद्वैत सिद्धांत का मौलिक ग्रंथ, आधिकारिक ग्रंथ है। इसमें यदि आप चर्चा क्या है पूछेंगे तो ब्रह्म पद का पूरे ब्रह्म सूत्र में, ब्रह्म के जो स्वरूप अर्थ में एक ही बार प्रयोग हुआ, 555 सूत्र है ब्रह्म सूत्र में, एक ही बार ब्रह्म शब्द का प्रयोग किया, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। उसके बाद दूसरे बार एक बार आता है, लेकिन वो इस अर्थ में नहीं, क्योंकि ब्रह्म शब्द का अर्थ ब्राह्मण जाति भी होता है। यस्य ब्रह्म च क्षत्रम च उभे भवत ओदनः, ये कठोपनिषद में आया, वहां ब्रह्म शब्द का अर्थ ब्राह्मण जाति, क्षत्र शब्द का अर्थ क्षत्रिय जाति आदि। और बाकी विचार क्या किया ब्रह्म सूत्र में, अथा दो ब्रह्म जिज्ञासा पहले हो गया, उसके बाद वो जो ब्रह्म को उपस्थित किया, प्रतिज्ञापित किया, उस ब्रह्म का लक्षण बताया, जन्माद्यस्य यतः, दूसरे सूत्र में। और तीसरे सूत्र शास्त्र योनित्वाद, इसका ज्ञान कहां से होता है, शास्त्र से होता है। शास्त्र में अलग अलग कहा है, तो आप ब्रह्म की चर्चा शास्त्र में है, ब्रह्म ही सत्य है, ऐसा शास्त्र से कैसे सिद्ध करेंगे, तत्व समन्वयात, ये चार सूत्र का। उसके बाद इसकी व्याख्या है, जैसे चतुश्लोकी भागवत है, इसी प्रकार ये चार सूत्र, चतुसूत्री जिसको बोलते हैं, मुख्य है। और उसके बाद जो चर्चा चल पड़ी, ये तीन के बारे में है, ब्रह्म और जगत का संबंध क्या है, ब्रह्म और जीव का संबंध क्या है, जीव क्या क्या करते हैं, ब्रह्म क्या क्या करते हैं, जगत का क्या रूप है, आदि आदि चर्चा। अब जब हम तीनों का संबंध देखते हैं, जैसे आज चर्चा हुई है भगवान की बाल लीलाओं की चर्चा, ब्रह्म सूत्र में ऐसा ही एक सूत्र है। अब भगवान कैसी लीला कर रहे हैं देखिए, मादा के साथ कैसी लीला होने चाहिए वैसी लीला मादा जी के साथ, पिताजी के साथ कैसी लीला होनी चाहिए एक बच्चे का, पुत्र का, उसी प्रकार दोस्तों के साथ कैसे होनी चाहिए उनके साथ वैसा, और शत्रुओं के साथ कैसी होनी चाहिए उनके साथ वैसी लीला, और सामान्य जनता के साथ कैसे होनी चाहिए उनके साथ वैसी लीला, देवताओं के साथ कैसे होनी चाहिए, आज जैसे गोवर्धन की पूजा हुई तो वैसी लीला। तो जैसे जैसे लीला करनी है इसी प्रकार की लीला है वो करते हैं। तो ये सत्य है कि कैसे लीलाएं होती है, यदि पूछेंगे तो शास्त्र कहते हैं ये संपूर्ण जगत लीला, लोगवत्तु लीला कैवल्यम, सूत्र है ब्रह्म सूत्र, बिल्कुल इसी बात को बता।
वहां प्रश्न होता है कि आप्तकाम, आत्मकाम, आत्मानंद, आत्मरति, उनके लिए ये जगत बनाने की क्या जरूरत है? ना बनाते तो अच्छा होता, यानी कितनी परेशानियां उठानी पड़ती, ये ना होता तो अच्छा, क्यों बनाए जगत को? तो कहते हैं एक उत्तर इसका ये है कि लोगवत्तो लीला कैवल्यम। तो केवल लीला के लिए कोई उद्देश्य नहीं, अपनी लीला करनी है। अनेक रूप में प्रकट होकर के लीला करते हैं, कभी तिरोभूत होकर के लीला करते हैं, कभी आविर्भूत होकर के लीला करते हैं। अब कितनी लीलाएं आप देखें। अब क्या है, ये लीलाओं को सुनने से हमारे मन में एक आनंद पैदा होता है। कल मैं इसी विषय पर कहा था, ये यहां मुख्य है। भगवान ये चाहते हैं कि मेरी लीलाओं को जानकर मेरे प्रति भक्ति करें और परमात्मा को प्राप्त करें। ये भगवान का उद्देश्य है। अब जब तक कथा सुनते रहते हैं ना, तब तक आप देखना उतने समय में एक प्रकार की समाधि लग जाती है। यदि आप श्रद्धा भाव से ध्यान से वक्ता के वाणी को श्रवण करेंगे तो समाधि लगती है, बिल्कुल एक अलग दुनिया में आप चले जाते हैं। और उस समय में आप परमात्मा के साथ एक हो जाते हैं, इसलिए आपको आनंद का अनुभव होता है। हो सकता है आपके पीछे पारिवारिक समस्याएं हो या अन्य अन्य समस्याएं पीछे हो, लेकिन उतने समय के लिए वो अंदर नहीं आता है, वो परेशानियां आकर के तंग नहीं करती। तो ये कोई कम प्रयोजन है क्या? ये कम प्रयोजन नहीं है। अपनी परेशानियों को दूर करने के लिए लोग क्या क्या करते हैं, कितने पैसा खर्च करते हैं। तो आपको दो तीन घंटे के लिए उस आनंद की प्राप्ति हो जाए और वो भी सात्विक भाव से, और उसका दिन भर आपके मन में उसका एक जो मद है, जो आनंद प्राप्त होने के बाद जो मद होता है मन में वो रहे, तो आपकी परेशानियां अपने आप दूर हो जाती। इसीलिए कथा आदि सुनने के बाद में समस्याएं कैसी दूर होती है, इसलिए होती है क्योंकि दिमाग में ऐसी शक्ति पैदा हो जाएगी आप विचार करने लगे, मन शांत होगा। तो मन शांत होकर के जब विचार करेंगे, भगवान आशीर्वाद देते अनुग्रह करते हैं, समस्याएं दूर हो जाती। जो बच्चे बचपन से ही कथा आदि सुनते हैं उनके जीवन अपने आप सुधर जाता। कल दो बच्चे आए थे हमारे पास, मैं उन्हीं से वही बात कर रहा था कि उतने ही आप लगाते जाओ। वो पूछ रहे थे हमारे अपने जीवन को सुधारने के लिए, बुद्धि को विकसित करने के लिए क्या करना चाहिए। कुछ नहीं है, ये करते जाओ, इस उपाय से सिद्ध हो जाए। ये भगवान की लीला है, लेकिन अपने कर्तव्य को अवश्य करना चाहिए। तो ऐसे लीला में भगवान क्या करते हैं कि जैसा कल कहा था, काम क्रोध जो जो भाव हमारे अंदर है सभी को लेकर के लीला करते हैं। स्नेहात द्वेषात भयाद वापी यादि तत्तत् स्वरूपता, एकादश स्कंध में अवधूत उपाख्यान में कहा गया कि आप स्नेह से भगवान के चिंतन करो, द्वेष से चिंतन करो, भय से चिंतन करो, भगवान के चिंतन करने के बाद में, नहीं तो पूतना को मोक्ष हुआ कहने की क्या जरूरत है। व्यास भगवान ऐसे शब्द का प्रयोग तो नहीं करते, मोक्ष हो गया तो मारी गई है, हमारे दृष्टि में देखें तो मारी गई बहुत बुरी तरह, लेकिन मोक्ष हो गया, सबको मोक्ष हो रहा, शत्रुओं को भी हो रहा। तो भगवान जो लीला को चुनते हैं, जो लीला हमारे
हित में भगवान करते हैं उसका परम हित मोक्ष ही है। ऐसे ही एक लीला है रासलीला जिसके विषय में हम चर्चा कर रहे थे। तो कल हमने ये कहा कि वहां भगवान का स्वरूप जानने के लिए सामान्य गोपियों के मन में क्या क्या दोष हो सकता है, वो सारे दोष को दूर किया। और हमारे यहां ज्ञानादेवतु कैवल्यम कहा, मोक्ष के लिए ज्ञान चाहिए, ज्ञान के बिना मोक्ष नहीं होगा। तो कैसे ज्ञान, बोले कि परमात्मा का ज्ञान, स्वरूप का ज्ञान, यथार्थ ज्ञान जिसको बोलते हैं, तत्व ज्ञान, वो होने पर मोक्ष होता है। किंतु उसको प्राप्त करने के लिए जितने साधन कहे हैं, कल हम यही चिंतन कर रहे थे, सभी साधन सामान्य ये गोपियों के जीवन में भगवान के प्रति प्रेम के कारण ही सिद्ध होंगे। और गीता उपदेश में, गीता तो ये सबके ही सार है, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, ये कहा। और ऐसा होने पर क्या होगा, अहम त्वा सर्व पापेभ्यः मोक्ष इष्यामि मा शुच। अशोच्यानन्न शोषत्वं प्रज्ञावादांश भाषसे से शुरू किया था कि जिन पर शोक नहीं करना चाहिए, हे अर्जुन तुम उन्हीं पर शोक कर रहे हो, ये शोक के स्थान नहीं है। और शोक कैसे नष्ट होगा, ये समाप्त कर दिया अंत में, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। ये सभी धर्मों का त्याग, यहां धर्म शब्द से धर्म अधर्म स्वधर्म विधर्म सब कुछ लिया गया है। सर्व भावेन समर्पण, अनन्य भावेन समर्पण, ये तो आप कई बार श्रवण किए होंगे, अनन्या चिंतयन्तो माम ये जना परिउपास्यते, ये इत्यादि शब्द। किंतु ये वस्तुतः सर्वात्म भाव सर्व धर्म त्याग कैसे हो सकता है, और धर्म शब्द का प्रयोग किया, अधर्म का शब्द, अधर्म शब्द प्रयोग करते तो समझ में आता कि सभी अधर्म को त्याग के भगवान के शरण में जाए, लेकिन सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, अभी भी ये सर्वधर्मान परित्यज्य, ये जो भगवान का वाक्य प्रयोग है, इस पर विद्वानों में शास्त्रार्थ चलता है। पिछले साल भी हमने ही एक शास्त्रार्थ का आयोजन किया था इसी विषय में, कितने कितने विचार आए, अलग अलग आचार्यों ने अलग अलग अर्थ किया, किंतु ये सत्य है। वहां धर्म शब्द से सारे कर्म धर्म अधर्म सब लिए, जब पूर्ण रूप से आप समर्पण करेंगे तभी आपको समाधि लगेगी, तभी ज्ञान होगा। और ये रासपंचाध्याय में गोपियों ने किया, वही कल हम चर्चा कर रहे थे कि जो जो कर्म हम सामान्य दृष्टि से गोपियों के समझते हैं ये सब इनके कर्म है, सभी कर्मों को त्याग दिया, इसलिए वो चर्चा वहां है। दूध दोहन, पति के सेवन और उनके बंधुओं के सेवन, बच्चों को दूध पिलाना आदि आदि जो भी कहा है वो उसका एक उपलक्षण है, एक संकेत है कि उन्होंने उस परिस्थिति में सभी धर्मों को त्याग किया। और उसके बाद क्या कहा, सर्वधर्मान परित्यज्य, फिर चुपचाप रहना नहीं, माम एकम शरणम व्रज, मेरे शरण में ही आओ। और वहां व्रज धातु का प्रयोग किया, गच्छा नहीं कहा,
व्रज का, तो हम व्रज में ही रह रहे हैं, तो व्रज धातु का एक, व्रज शब्द का एक विशेष अर्थ है। हमारे गुरु लोग बताते हैं व्रज शब्द का अर्थ होता है, जैसा गच्छा बोलेंगे तो जाओ जाओ आओ, ये सामान्य जो व्यवहार होता है, किंतु व्रज शब्द का व्रजति अथवा परिव्रजति ये बोलेंगे तो उसका अर्थ होता है पूर्णतः त्याग करके जाना, वापस आने की चिंता जहां नहीं रहती है वहां व्रज शब्द का प्रयोग होता है, पूर्ण रूप से गमन। इसलिए परिव्रजन बोलेंगे तो वो जाने के बाद वापस नहीं आएगा, परिव्राट बन जाता है। जैसे सनत कुमार जी, सनकादि ऋषियों ने किए, सुखदेव जी ने किए, परिव्राट बन गया, वहां परिव्राट शब्द का प्रयोग आपको मिलेगा तत्र तत्र। तो यहां भी भगवान ने कहा कि व्रज माम एकम शरणम व्रज, अनन्य भाव से परमात्मा में ही जाओ सर्व धर्मों को परित्याग करके। अब प्रश्न होता है कि एक जगह स्वधर्म में निधनम श्रेयः कहा, स्वधर्म का आचरण करना चाहिए कहा, स्वे स्वे कर्मण्यभिरदः संसिद्धिं लभते नरः। अब यहां आकर के सारे धर्मों को त्याग करके जाने के लिए कह रहे, तो करे तो क्या करे। और उसके बाद आगे भगवान कहते हैं यदि ऐसा कोई आता है आप चिंता मत करो, मोक्ष इष्यामि, अहम इच्छामि, मैं अवश्य उस व्यक्ति को मोक्ष दूंगा। अभी मोक्ष का साधक हम हैं, मोक्ष हमें सिद्ध होना चाहिए। दर्शन शास्त्रकार कहते हैं कि मोक्ष के जो अधिकारी मोक्ष साधन करेंगे तो उसी को मोक्ष सिद्ध होगा, मोक्ष कोई दे नहीं सकता। क्यों? मोक्ष तो अपने ही स्वरूप की बात है, जैसे भूख लगी है भोजन स्वयं को ही करना पड़ेगा, दूसरा कितने भी प्रेमी हो दूसरा भोजन करके आपको तृप्ति नहीं होगी, होगी क्या? कभी नहीं। भूख हमें लग रही है तो हमें करना, रोग हमें लगा है तो औषधि भी हमें ही करनी पड़ेगी, दूसरी औषधि खाएंगे हमारे रोग मिटेंगे ऐसा नहीं होता, स्वयं को औषध का सेवन करना पड़ेगा। तो मोक्ष भी ऐसा है, तो भगवान कैसे कह रहे हैं कि मैं मोक्ष दूंगा, तो भगवान आकर के मोक्ष देंगे ऐसा अर्थ नहीं। यहां दो बातें आप ध्यान रखिए, जो आप कल रास पंचाध्याय की कथा सुनेंगे तो आपको अच्छी लगेगी कि ये सारी कथा बनाई किसने, कि क्या क्या धर्मों को त्यागने के लिए ये बनाया। कल हमने स्वाभाविक धर्मों की बात कही, तो स्वाभाविक धर्मों का त्याग भी वहां हो रहा। आप एक एक पंक्ति में आप देखेंगे आहार निद्रा भय मैथुनम च, ये जो स्वाभाविक धर्म है सभी का त्याग वहां हो रहा है। और जो अन्य जो विहित धर्म है, जो कि स्त्री होने के नाते, विवाहिता होने के नाते पति की सेवा करना और अन्य पुरुषों का दर्शन तक नहीं करना इत्यादि जो विहित नियम है उनका भी परित्याग। अब ऐसा कैसे हो सकता है? भगवान को एक व्यक्ति मान करके, एक पुरुष मात्र मान करके ऐसा नहीं हो सकता। भगवान में पूर्ण आनंद को गोपियों ने दर्शन किया। गोपियों को यह मालूम था कि यही हमारे आनंद कंत है, आनंद का स्वरूप ही है। हमारे जीवन की सारी प्राप्तियां उपलब्धियां इनसे ही है। अब ये
सिद्धांत के अनुसार तो आप मान लेंगे, किंतु मैं कुछ जैसे हमारे शास्त्र के अनुसार कुछ युक्तियां दूंगा। यहां वैसे तो प्रेम में कोई युक्ति नहीं चलती, प्रेम में कोई युक्ति की आवश्यकता नहीं होती। प्रेम में इतना बल होता है कि कल जैसा हमने कहा, आत्मा के आनंद स्वरूप है प्रेम। सौंदर्य आत्मा के आनंद स्वरूप है, क्योंकि सौंदर्य देखकर के कोई भी वस्तु में सुंदरता है वो देख के हमें आनंद होता है। तो सौंदर्य प्रेम कभी भी कोई युक्ति के संबंध में नहीं होता है, युक्ति की आवश्यकता नहीं। और युक्ति प्रमाण सब वहां समाप्त हो जाते हैं। किंतु अब गोपियों को तो भगवान का साक्षात दर्शन हो गया था, सामने ही खड़े थे तो गोपियों ने मान ली। किंतु हमें ऐसा नहीं हो रहा है, ऐसा लगेगा हम तो भगवान को देखे ही नहीं, तो हम कैसे धर्म को त्यागे, कौन से धर्म को त्यागे, त्याग करके हम तो ना घर के ना घाट के रहेंगे, ऐसा लगे। तो सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, इस ये जो वाक्य भगवान ने कहा और ये गीता के अंतिम वाक्य है उस हिसाब से देखा जाए तो, क्योंकि भगवान का उपदेश ज्ञानोपदेश का ये अंतिम वाक्य है 18वां अध्याय, उसके बाद तो फल कथन श्रुति इत्यादि अन्य। और वहां विशेषण भी लगाते हैं कि मैं सब उपदेशों का सार आपको बताऊं, ऐसे करके बताते। तो अब धर्म अधर्म की बात छोड़िए, हम सामान्य देखते हैं जो जो हम अपना मानते हैं ना। अब सबसे पहले शरीर को अपना मानते हैं, सब लोग मानते हैं कि नहीं मानते, ये हमारा शरीर है, हमारा ये शरीर है ऐसा मानते हैं। आप बताइए इसमें आपका क्या है? अब बोलेंगे हमारा कुछ नहीं, कैसा नहीं है। देखिए आपका ऐसा करके आप किसको मानते हैं, अपने श्रम से परिश्रम से आपने कुछ बनाया कमाया तो आप मानते हैं ये मेरा है, क्योंकि मैंने अपने परिश्रम से ये कमाया, ठीक है ना। मतलब अपना कहने के लिए तो यही कहते हैं कि मेरे संबंध में ये आ गया, मेरे साथ ये आ गया और मेरे परिश्रम से आ गया, मैं अपने पैसा खर्च करके ये लाया तो ये मेरा होगा। क्योंकि ये पुस्तक कुछ दिन पहले तक कोई दुकानदार के पास था, तो वो दुकानदार क्या मानता था, वो अपना मानता था। हम जाके उसको उठाने जाते ऐसे बोलते क्यों हमारे हमारी किताब को क्यों उठा, वो पूछते अब मैंने अपने कैसे बनाया, बीच में एक लेन देन की बात हो गई, पैसा दे दिया, पैसा दे दिया तो पैसा में क्या होता है, पैसा तो कुछ नहीं वास्तव में, पैसा खाली इतने के लिए है कि वो अपनापन छोड़ दे और हमको अपनापन दे दे, समझ रहे हैं। वो खाली इतने दिखाने के लिए हम एक नोट पकड़ा देते हैं, नोट में है वो भी पेपर है, उसमें सरकार की छाप है और मान्यता है, बस इतने ही, और क्या है, वो पेपर तो है, कुछ अच्छे क्वालिटी के पेपर बनाते, लेकिन वो जो उसकी अपनी मान्यता है, ये मेरी है करके जो मान्यता है उसको छुड़ाने के लिए हम पैसा देते हैं। और हम अपने से जब पैसा देंगे, क्योंकि उस पैसा में मेरापन है और वो मैं उनको दे रहा हूं और उसके जो मेरापन मैं ले रहा हूं, तो तब ये मेरी हो जाती है। इसको छोड़ करके आप अपने शरीर को जो अपना मानते हैं ना, इसमें आपने क्या कमाया, इस शरीर में क्या है आपका, एक बाल भी आपने कमाया है इसमें नहीं है, ये शरीर पूरा पूरा आपको फ्री मिला है कि नहीं। शरीर में ये जो शरीर जिसको हम अपना मानते हैं ये हमें फ्री में मिला, हम अपने पैसे से इसमें कुछ नहीं लाया। अब देखिए भगवान की लीला, अब इसके एक एक अवयव का आप दाम निकालेंगे ना,
आजकल के हिसाब से पूरा धाम निकालेंगे करोड़ों के लिए होगा, इसमें जो जो माल लगे हुए अंदर बाहर, ठीक है। तो ये पूरा आपको फ्री में मिला, तो ये तो आपका नहीं हुआ। फिर और अंदर आप देखिए, आपके पास एक मन है, मन आपने बनाया क्या कभी? नहीं बनाया। मन आप बना सकते थे तो कैसा होने वाला है? आप अपने हिसाब से मन बनाते, बुद्धि अपने हिसाब से बना देते, वो भी आपने नहीं बनाया, आपका नहीं। फिर प्राण जो चलता है ऊपर नीचे, जिसके कारण जीवित है, ये कौन कर रहा है? ये किसका है? ये भी आपका नहीं। तो अब आप समझ लो फिर क्या है आपका इसमें, क्या है, क्या है आपके? कुछ नहीं। आप तो खाली इतने करते हैं कि इसको जीवित रखने की आशा से अन्न खाते हैं, अन्न भक्षण करते हैं, जलपान करते हैं, दुग्धपान करते हैं। अब वो जो करते हैं ना, अन्न जलपान, ये किसका बनाया हुआ है? ये भी हमारा नहीं है। जो अन्न है ना, आप बोलते हैं हम खेती करते हैं, खेती से अन्न होता है, तो ये हमारे अपने पैसा से लाते हैं। तो अन्न भी आपका बनाया हुआ नहीं, क्योंकि खेत को तैयार आप कर सकते हैं, बीज बो सकते हैं, बीज बो के खेत तैयार करके पानी डाल करके व्यवस्था करके फिर चुपचाप बैठना पड़ेगा, इंतजार करना पड़ेगा। किसके लिए? बीज से अंगूर निकले, अंगूर से पौधा हो जाए, पौधे से समय पर धान बन जाए और वर्षा हो जाए, सब अनुकूल वातावरण आ जाए, भगवान से प्रार्थना करनी पड़ेगी। आप केवल क्षेत्र तैयार करते, खेत तैयार करते, तो वो भी भगवान बना के देता है और वो आप खाते हैं। अब जल का एक कण जल भी आप बना सकते, एक बूंद भी नहीं बना सकते। जहां जल तैयार मिलता है उसको ला करके अपने घड़े में रख करके स्वयं पीते। अब आप बताइए कि जब ये सब कुछ भगवान का ही बनाया है ना, हमारा बनाया हुआ नहीं, कोई सर्वशक्तिमान है उनके द्वारा किया हुआ, खाली हम उसको एक जगह से उठा के दूसरे जगह रख देते, इधर से उठा के वहां रख देते हैं, वहां से इधर रख देते हैं, और जैसा मैंने किताब के बारे में कहा इस प्रकार से उधर से इधर मान लेते हैं, इधर से उधर मान लेते हैं। आपके सारे व्यवहार केवल मान्यता पर है कि नहीं? अब ये तो मैंने बता दिया, शरीर आपका नहीं है, किंतु आप मानते जा रहे हैं, बचपन से मानते जा रहे हैं। और बच्चे जो छोटे बच्चे रहते हैं ना, जब बोली शुरू करते हैं उसको सिखाना पड़ता है, देखो तुम कौन है, ऐसा शुरू कर, तब वो दिखाएगा ये मैं नहीं। तो वो यदि वो उसको बताएंगे तुम कौन है करके भगवान के चित्र में दिखाएंगे, तो वो बाद में भगवान को बताएगा, लेकिन वो सिखा देता है। नाम नाम दे करके नाम को भी याद करा देता है, बार बार पूछते हैं तुम्हारा नाम क्या है, बोलो तुम्हारा नाम क्या है, बोलो, वो बार बार बोल के वो ये मेरा नाम है ऐसा करके मान लेता है। वहां से लेके सब कुछ मान्यता है। अब भगवान क्या कह रहे हैं कि जितने सब कुछ तुमने मान्यता के आधार पर प्राप्त किया उसका सबका त्याग, बस यही सर्वधर्म परित्याग है। यही गोपियों ने अपने स्वाभाविक भाव से, भक्ति से, ज्ञान से, प्रेम से किया है। वहां भक्ति शब्द के प्रयोग की आवश्यकता नहीं, उनको तो परम प्रेमी था, भक्ति की जो व्याख्या है असलियत है वो, उसमें सब कुछ क्या हो गया, सब कुछ भगवान को समर्पित किया। वहां एक शब्द सुंदर शब्द प्रयोग करते हैं, कूर्पादिभिर्भ्रमदिधीर्भवदायुषम्। हमारे सब कुछ आप है, हमारी आयु है ना, हमारे जीवन, आयु का अर्थ यहां जीवन है, हमारे जीवन आप ही है। आप एक क्षण के लिए इसके चिंतन करिए कि यहां कोई भगवान को मानने में कोई तकलीफ है क्या?
आप यदि अपने को मान करके अपने जीवन चलाते हैं, इसके लिए भगवान ने आपको अनुग्रह किया है कि देखो तुम कुछ भी मान करके चलाओ। भगवान का शरीर दिया हुआ है, हम अपना मान लेते हैं, भगवान कह रहे ठीक है चला दो भाई कोई बात नहीं, सब कुछ भगवान का दिया हुआ है, वो अपना मान लेते हैं और काम चला देते हैं। तो भगवान इतना कह रहे हैं कि जो मेरा है वो मेरे में समर्पित करो, तेरा तुझको अर्पण, कितना सत्य वचन है। इसीलिए हमारे शास्त्र बार बार कहता है कि ये जो मेरा मेरा मैं मेरा मेरा ये जो है केवल मान्यता मात्र है, मान्यता से व्यवहार चलता है। जिस नोट की आप बात कर रहे हैं, हम नोट की बात कर रहे हैं, तो जिसको बहुत हम मान्यता देते हैं, कुछ साल पहले आपको पता चला नोट की कितनी मान्यता है, जब 500 रुपया 1000 रुपये बंद हो गए, सब अपने पास इकट्ठे करके रखे थे पेटी पेटी में कमरे कमरे में, एक क्षण में एक अनाउंसमेंट में सब खत्म हुआ। क्या अब हम बोलेंगे तो कानून के अनुसार कानून के विरुद्ध है। यदि हम बोलेंगे नोट में कोई वैल्यू है ही नहीं, मूल्य है ही नहीं, ऐसा नहीं बोल सकते, क्योंकि कानून के हिसाब से मूल्य दिया हुआ है, आपको मानना पड़ेगा। किंतु वो मान्यता किसके आधार पर, वो एक पेपर का टुकड़ा है और उसमें कुछ छपा हुआ है फोटो वगैरह और एक नंबर है, ये सब लेकर के आपको हाथ में पकड़ा दिया, बोला इसको 100 रुपया मानो, इसको 200 रुपया मानो, इसको 1000 रुपया मानो, इसको 2000 रुपया मानो, बस बोल दिया हम मान रहे हैं, कोई नानु नच नहीं करते। अब है क्या ये मान्यता के आधार पर, तो सारे कुछ आपने भगवान से अलग मान लिया। भगवान कह रहे हैं कि यही सब तुम्हारा बंधन का कारण बन गया, और क्या है, इस मान्यता को समाप्त करो। जब डाइवोर्स होता है ना, तलाक, तो क्या होता है, पहले पति पत्नी दोनों मानते थे, दोनों एक साथ इतने प्रेम से, हाँ परस्पर दिल दे करके बोलते थे कि हाँ मेरा मेरे दिल में तुम, तुम्हारे दिल में मैं, और क्या क्या है सब बोलते हैं, और हो गई बात बिगड़ गई। तो ये सब बदलने उल्टा होने में कितना समय लगता है, शत्रु हो जाते। और हमने प्रत्यक्ष देखा, कोर्ट में एक बार जाने का हुआ, हमारा कोई मित्र था मिलने गया था, तो क्योंकि हमारा कोई ऐसा मामला तो है ही नहीं कोर्ट जाने वाली, तो कोई था तो उनसे मिलने के लिए गया, तो वहां ऐसा चल रहा था पति पत्नी के बीच में, तो उन्होंने कहा स्वामी जी मैं परमिशन लेके आपको अंदर बिठा देता हूँ, आप देख लीजिए एक बार जिंदगी में ये होता क्या है, ये लोग कैसे कैसे बातें करते हैं। तो उन्होंने पास दे करके हमको बिठा दिया। अरे बाप मैं अजंबा रह गया, कैसे कैसे प्रेम की बात करते हैं और कैसे कैसे बदल जाते हैं, मान्यता कब बदलती है। और हम जैसे भक्त लोग बीच में ऐसे यात्रा करते रहते, इधर उधर ऐसे मामले आते रहते, और एक ही जीवन में हमने सारी स्थितियां देखी। एक दोनों हमारे एक मित्र के ही लड़के थे, लड़का जो है वो किसी से प्रेम हो गया, और जब मैं गंगोत्री में था वो वहां घर से भाग के वहां आया, आकर के बोला कि, तो मैं देख करके अच्छा नहीं लगा, पहले तो बहुत बढ़िया गाते थे, अच्छे कलाकार भी थे, अच्छे व्यक्ति थे, तो एकदम दुखी उदास जैसा लगा। तो पूछा क्या हुआ, कि ऐसे ऐसे हो गया कि मैं किसी से शादी करना चाहता हूँ, ये घर वाले नहीं मान रहे, लेकिन और किसी से मैं शादी करूंगा नहीं, मैं यहाँ सूर्यकुंड में कूद करके मरने के लिए आया हूँ, लेकिन मरने के पहले थोड़ा आपको मिल करके मरूंगा सोच करके इधर आया, हाथ में कुछ नहीं। तो मैंने सोचा तो बहुत फंसा दिया भाई, तो ऐसे कैसे हो गया। फिर बिठाया, खिलाया, पिलाया, बात किया, तो मैंने बोला चलो जैसा भी मरना तो ही, आज के लिए रुक जाओ, तो कल हम जाते हैं अभी पास में, ये क्या है, वो तो बिल्कुल तैयार है, कोई कपड़ा भी नहीं पहना, तो गंगोत्री में बहुत ठंड होता है। तो फिर मैंने स्वेटर दिया, सब कुछ दिया, वहां बैठा बात। तो दूसरे दिन सुबह उठा तो फिर बात हुई, तो क्या क्या हुआ कैसे कैसे, तो मैं दोनों को जानता हूँ, दोनों परिवार को जानता हूँ, दोनों हमारे परिचित है,
तो उस समय फोन वगैरह था ही नहीं, अब कैसे संपर्क करना, कुछ भी नहीं। मैंने बहुत समझाया, देखो ये सब होता है, इसमें कुछ नहीं, ये सब हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा क्या। अब मेरे पास जितनी युक्तियां हैं मैंने प्रयोग किया, कुछ भी लग नहीं रहा है, वो तो पक्का है मैं वापस जाऊंगा नहीं। तो दूसरा दिन हो गया, दूसरा दिन वहां बिठाया और मेरा जो है पूरा साधन क्रम बदल गया सब कुछ, क्योंकि होना अब ये जाके खड़े तो फिर परेशानी होगी, बाद में लोगों को पता चलेगा कि स्वामी जी के पास आया, स्वामी जी ने उनको रोका नहीं, वो जाके कुंड में गिरा और पुलिस केस आएगा तो वो भी मेरे पास आएगा, तो बहुत परेशानी है, तो क्या कर सकते हैं। तो इतना तीव्र मतलब आग लगी हुई है, कुछ भी कर सकते। तो बहुत समझा समझा करके दूसरा दिन जब शाम हो गया तो इतना राजी हो गया कि मैं वापस जाके एक बार और ट्राई करूंगा, इतना तक हो गया। मैंने सोचा बच गया, कम से कम हमारा तो बदनाम नहीं होगा। फिर हमने एक चिट्ठी लिखा उनके पिताजी को और वो लड़की वालों के पिताजी को, दोनों को लिखा, मतलब बोले इस समय के लिए कैसे भी आप इतना बिगाड़ो मामला मत, ये अच्छे और पढ़े लिखे हैं, हाँ वो MBA उस समय MBA सब किए हुए हैं, बहुत पढ़े लिखे हुए सब कुछ है और कलाकार है, सब है उनके पास गुण, अब होता भी है। लेकिन ये हो गया, होने के बाद शादी भी हो गई, जैसे भी राजी होकर के फिर कैसे भी हो गया और बच्चे भी हो गए। अब कुछ साल की पहले की बात है, अब दोनों जो है अलग अलग होना चाहते, वही मामला हमारे पास आया, क्यों वो तो परिचय। तो मेरे को आश्चर्य, मैं उसको बुला के पूछा तुम कैसे थे कि कैसे आग मारने के लिए आया, हमें समझा बुझा कर को इतना प्रेम की आग लगी हुई थी, अब कैसे कितने साल में, कितना 10-15 साल में इतना बदल गया। तो ये है मान्यता बदल गई, अब कैसे कोई कारण नहीं है, अब इतने साल हो गया आपस में पता नहीं क्या, क्योंकि अब ऐसे विवाह होते समय वहां कोई कुंडली आदि देखते तो है नहीं, अब जैसे भी चलाना है तो चलाया उन्होंने, और बाद में जब कुंडली में सही नहीं होता है तो कुछ साल के बाद में कुछ होता है, मनमुटाव तो हो ही जाता है, उसे शास्त्र तो शास्त्र है, तो उसके कारण ऐसा हो गया और बहुत कुछ परेशानी। अभी भी चल रहा है, दोनों अलग अलग रहते हैं लेकिन चल ही रहा है, चला रहे। तो ये देखिए ये मान्यता है, तो कितने भी बंधन है ये मान्यता है। तो भगवान कहते हैं कि वो सारे धर्मों को जो आपका नहीं है, आप केवल मान्यता दे रखे उसको त्याग, यही सर्वधर्मान परित्यज्य। तो इसीलिए शास्त्रार्थ में यही निर्णय हुआ कि ये सर्वधर्मान में भगवान ने विहित अविहित निषिद्ध कुछ भी व्यवस्था नहीं दी कि कौन सा लेना कौन सा नहीं लेना, ऐसी व्यवस्था नहीं दी। इसीलिए क्या निश्चय होना चाहिए कि इस भाव से जितने धर्मों को आपने मान्यता दी अपनी तरफ से, एक जीव होने के नाते जितने धर्मों को जितने कार्यों को आपने अपना करके माना, शरीर धर्म आदि से लेकर के सारे, उन सबको त्याग दो तब आपको समाधि लगेगी, तब आप एकाग्र मन में पहुंचेंगे, तब जो स्थिति गोपियों को हुई है वो स्थिति होगी। इसलिए ये जो रास पंचाध्यायी है ये वास्तव में जैसे हमारे गुरुजन कहते हैं, बड़े बड़े हमारे विद्वान अनुभवी महात्मा लोग, परम पूज्य करपात्र जी जैसे, परम पूज्य घंटान स्वामी जी जैसे विद्वानों ने कहा है कि ये जो रास पंचाध्यायी है ये पूरा जो है साधन का एक सार है, यानी भक्ति की ये व्याख्या है। कैसे? जो नारद सूत्र के अनुसार परम प्रेम रूपा ये जो भक्ति है इसका पूर्णतः प्रकटीकरण है, उसके लिए निमित्त बनाया गोपियों। अब गोपियों के बारे में आप तो जानते हैं, आज भी आपने श्रवण किया, आप दशम स्कंद के आदि में प्रथम द्वितीय अध्याय में शायद सारी देवी गोपियां जो है देवियां हैं, देवलोक से आए ब्रज स्त्रियः वहां कहते हैं कंस के लिए
उनको परिचय देते हैं नारद, बोलते हैं ये जितने भी हैं ना ब्रज में ये सारे देवता हैं, ऐसे करके तो नारद जी समझाते हैं। और आज आपने व्यास जी से आज श्रवण किया, श्रुतियां वेद के मंत्र ये गोपियों के रूप में यहां प्रकट हो। अब उनका जो है साक्षात्कार परमात्मा से हो, इसमें क्या आश्चर्य है। और किसी भी परिस्थिति में हो, वो रात को हो दिन में हो, वो पूर्ण समर्पण है। इसलिए यहां साधन के रूप में प्रत्येक व्यक्ति को अपने अपने कर्तव्यों का पालन करना है, किंतु वहां कैसे करना है, सर्वधर्मान परित्यज्य करना है, अर्थात मेरा मान करके नहीं, मेरा मेरा जो मान्यता है अपनापन है उसको त्याग करके भगवान के लिए निमित्त रूप से अपने कर्तव्यों को करना है। यदि ब्रह्मचारी है तो ब्रह्मचारी का कर्तव्य प्रतिदिन संध्या वंदन करना, गायत्री का जप करना, अध्ययन करना, गुरु सेवा करना। यदि गृहस्थ है तो गृहस्थों के लिए पंचमहायज्ञ से लेकर के सारे कर्तव्य बताए, कल मैंने बताया था सबसे अधिक कर्तव्य गृहस्थों के लिए है। यदि सन्यासी साधु सन्यासी है तो उनको उसी प्रकार के कर्तव्य बताए हैं, उनका पालन करें, किंतु ये सब सर्वधर्मान परित्यज्य करना चाहिए, अर्थात ये मेरे कर्तव्यमित्येव यत्कर्मा, तभी वो सात्विक कर्म होता है। इस प्रकार आचरण करें, आचरण करते हुए जब आप उस परमात्मा के ध्यान में पहुंचे, कैसे सत और चित आनंद रूप में उस परमात्मा के ध्यान में पहुंचेंगे, तब वहां साक्षात्कार होगा। यह साक्षात्कार इस दृष्टि से अभी भी हो रहे हैं, जैसा मैंने समझाया ना, ये शरीर कौन चला रहा है, ये दुनिया जो सामने है इसको कौन चला रहा है, हम क्या कर रहे हैं, हम उसके भागीदार हैं। हमारा तो केवल इतना है कि एक जगह से उठा करके दूसरे जगह रख देना, बस इतना है कार्य, बाकी कुछ भी हमारे हाथ में नहीं है। और इसलिए भगवान से निरंतर प्रार्थना करें कि हमारे इस भाव को बनाए रखें और कभी भी हम इस सत्य को ना भूलें कि हमारे हाथ में कुछ नहीं, हम केवल निमित्त हैं, निमित्त मात्रम भव सव्यसाचि। इसमें जितना आपको विश्वास होते जाएगा उतना आप बेड़ा पार करेंगे, यही इसका सत्य है। जितना आपको इसमें विश्वास होगा कि मैं केवल निमित्त हूं, निमित्त होने के कारण जो मुझे करना है वो मुझे करना है, तो सब कुछ आपके यहां व्यवस्थित हो जाए। जब जैसा आज सुना आपने, नित्य कर्मों को जब हम करते हैं उस समय भी भगवान को स्मरण करें, कि भगवान ने कहा हमेशा स्मरण करें, हमेशा स्मरण करना, कर्म को समर्पण करना, कब, करने के पहले या करने के बाद, करने के पहले करने के बाद नहीं, करते हुए, क्योंकि सभी कर्मों को भगवान में समर्पण करने के लिए कहा भगवान, यत करोषि यद इत्यादि से कहा, यत करोषि यद अश्नासि यद जुहोषि ददासि, यत ये सारे समर्पण करना है। कब हो सकता है कि हम सुबह भगवान के सामने बैठ करके सब कुछ समर्पण करते हैं और उसके बाद फिर ऑफिस जाते हैं, फिर वहां के हिसाब से वो समर्पण पूरा पहले हो गया, बाकी तो सब गड़बड़ चलेगा, और उसके बाद शाम को आकर के जो कुछ हमने किया सब गलत हो गया, भगवान क्षमा करे, वापस कर, इतने से होगा नहीं,
जब आप करते हैं उस समय भी भगवान को ध्यान में रखना पड़ेगा, क्योंकि पहले करने से तब भी आपका अहंकार नहीं जा रहा है और बाद में करने से भी अहंकार नहीं जा रहा है। अहंकार तभी जाएगा जब आप करते हुए चिंतन करेंगे। यदि उस स्थिति में आप पहुंच गया ना, समझ लो आपके सारे कार्य सिद्ध हो। इसलिए मैं पहले दिन ये कहा था कि आप प्रार्थना करते हुए सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। इसका एक बार आप उच्चारण करो, सारे कुछ ठीक हो जाए। ठीक है, तो समय हो गया इन्हीं शब्दों के साथ, लेकिन अभी 108 के बारे में बीच में एक बार मैंने बता दिया था, तो यहां से दो जिज्ञासाएं हुई तो उसके बारे में संक्षेप में बोलता हूं, क्योंकि 108 एक महत्वपूर्ण संख्या है। हमारे माला में 108 है और बहुत कुछ कर्म 108 से जुड़े हुए हैं। तो ये 108 का क्या तात्पर्य है, क्यों ऐसा है? हमारे धर्म में कोई महत्वपूर्ण संख्या है, वो एक तो एक संख्या है, एकाक्षरम परम ब्रह्म, वो तो ओंकार है। यदि दूसरी कोई महत्वपूर्ण संख्या है तो वो 108 लगता है। देखिए, इस 108 का बहुत कुछ है, आध्यात्मिक अर्थ है और आदि दैविक अर्थ भी है, और ये साइंटिफिकली मतलब विज्ञान के द्वारा स्थापित निश्चित बातें हैं, कपोल कल्पित नहीं है। पहले आध्यात्मिक चिंतन करते हैं कि 108 में क्या है। आध्यात्मिक ना हमारे शरीर और मन प्राण से जुड़े हुए बातें, आत्मा से जुड़ी। तो हमारे आयुर्वेद और मर्मशास्त्र में कहते हैं कि हमारे शरीर में जो संधि मर्म है ये 108 है, 108 संधि मर्म है ऐसा कहते हैं। तो वो एक 108 हो गया। ठीक है, और जो हमारे प्राण चलता है ना, प्राण योग चूडामणि उपनिषद के अनुसार एक सामान्य स्वस्थ व्यक्ति, यानी कोई रोग नहीं है, शारीरिक रोग भी नहीं, मानसिक रोग भी नहीं, बिल्कुल स्वस्थ व्यक्ति, उसका एक दिन में यानी 24 घंटे में 21,600 बार श्वास और उच्छ्वास होता है, यानी प्राणायाम होता है। कितने बार? 21,600, योग चूडामणि उपनिषद और अन्यत्र भी ये लिखे हैं। इसका यदि आप आधा करेंगे 12 घंटे का, तो कितना हो जाएगा? 10,800 हो जाएगा। 10,800 जो ये प्राण की जो गति है, जिसको सोहम गति बोलते हैं, हम सत सोहम, ये मंत्र इसमें जाप मानते हैं। तो वो जो 10,800 है, इसका संकेत लेकर के 108 मानते हैं। तो जब आप माला में जब करते हैं 108, तो आपके सारे शरीर में जितने संधि मर्म 108 है, उसमें सब ये शक्ति पहुंचती है और आपके 108 ये प्राण का संबंध भी उसमें रहता है। ये हो गए आध्यात्मिक, मतलब शरीर से जुड़ी हुई बात। लेकिन इससे भी और विशिष्ट है, इसके साथ आदि दैविक का संबंध। हमारे जो शास्त्र में उपनिषद हो, स्मृति हो, पुराण हो, कोई भी शास्त्र में साधन की दृष्टि से, संध्या वंदन से लेकर के साधन आरंभ होता है। एक बच्चे को उपनयन कराते हैं, संध्या वंदन से आरंभ होता है साधन, जीवन भर साधन में बढ़ोतरी होती रहती है। सारे साधनों का सार क्या है?
पूछेंगे तो वो साधन में ये जो व्यक्ति है ना, हम जो परिच्छिन्न मानते हैं, जो व्यक्ति है, तो इस व्यक्तित्व को व्यापकता में पहुंचाना, अर्थात आत्मा को परमात्मा के साथ जोड़ना। हमारे ये जो प्राण है उसको महाप्राण उसके साथ जोड़ना। हमारे शरीर में जितने इंद्रिय हैं ये सब देवता हैं ना, जब हम स्पर्श करते हैं ना संध्या में तो देवताओं का नाम पर बोल करके स्पर्श करते हैं, न्यास जिसको बोलते हैं, न्यास करते हैं, ठीक है। तो क्या भावना है कि हमारी ये बुद्धि मन ये सब परिच्छिन्नता से व्यापकता में पहुंचाए। तो अब जो साइंस ने भी प्रूफ किया हुआ है और ऋग्वेद में भी कहा हुआ है, 108 का संबंध क्या है, हम गायत्री मंत्र से लेते हैं। तो गायत्री मंत्र सविता को देवता मान करके हम जप करते हैं, बुद्धि को शुद्ध करने के लिए, सूक्ष्म करने के लिए और तीव्र करने के लिए। ये मंत्र में प्रार्थना है, सविता को देवता माना। यहां एक स्टडी, एक अध्ययन है इस विषय में। में अंबाला से एडिट हुआ इंडियन एक्सप्रेस अखबार है, आजकल तो आपको इंटरनेट में देखने से भी मिल जाएगा। 30 मार्च का एडिशन है, उसमें एक लेख छपा था, एक स्टडी छपी थी। उसमें क्या कहा कि हमारे शास्त्र के अनुसार, ऋग्वेद के अनुसार, सूर्य और पृथ्वी, चंद्रमा और पृथ्वी, इनके साथ 108 का संबंध है। ठीक है, क्या है वो, कैसा है कि सूर्य का जो व्यास है, व्यास आप समझते हैं ना, उसके डायमीटर जिसको बोलते हैं अंग्रेजी में, सूर्य का व्यास और सूर्य से भूमि तक की जो दूरी, इन दोनों को भाग करने से 108 मिलता है औसत। मतलब ये तो बदलता रहता है, सूर्य भी हमारे आयन के अनुसार भूमि से दूर जाते हैं फिर पास में आता है, ये तो होता है, लेकिन एक औसत निकालेंगे तो 108 का लगभग आता है। अब देखिए हमारे ऋषि मुनियों ने इसको कैसे पहले जाना, सूर्य का व्यास का मतलब सूर्य 108 सूर्य को रखने पर पृथ्वी और सूर्य का दूरी पूरी हो जाए। तो 108 माला में आप ध्यान करेंगे कि एक एक करके आप उस सविता देवता तक पहुंच रहे हैं। अब देखिए ये कपोल कल्पित नहीं है, इसलिए मैंने वो स्टडी का ये बताया, ये रिपोर्ट आया हुआ ऋग्वेद को लेकर। और ठीक इसी प्रकार चंद्रमा के जो व्यास है, डायमीटर है उसका, उसका 108 लेने पर वो भी भूमि और चंद्रमा के दूरी का बराबर हो जाती। अभी तो हम चंद्रयान भेज करके वहां पहुंच गए, तो बिल्कुल प्रमाणित है कितने दूरी है, ये सब कुछ हमने देखा था, क्योंकि वो भी बदलता रहता है, एक एक समय में बदलता रहता है, चंद्रमा दूर जाते हैं, पास आते हैं, घूमते रहते हैं, तो कई कुछ होता है। तो लगभग 108 के जगह पे कभी 109 आता है, 110 आता है, लेकिन उसके आसपास आता है। तो इसीलिए ये दैविक रूप से, फिर और भी बहुत कुछ है, और तो सूर्य की कलाओं को लेकर के, यानी 216,000 सूर्य की कलाएं हैं पूरे एक साल में, और उसको फिर आयन के दृष्टि से उत्तरायण और दक्षिणायन दो दो करेंगे तो आधा हो जाएगा, फिर वो भी ऐसे ही 108 को उसके ये बनेंगे, इत्यादि इत्यादि बहुत कुछ है।
इसमें तीन बातें तो स्पष्ट है। एक तो सूर्य और चंद्रमा की दूरी को लेकर के ये जो आदिदैविक संबंध है इसका, और हमारे मर्म को लेकर के प्राण के संचार। मर्म का अर्थ है जहां हमारे शरीर में प्राण का संचार होता है, जो ठीक रहे तो आप स्वस्थ रहे। और अभी ज्योतिष की बात है, इधर तक रुका नहीं, और ज्योतिष तो आप जानते हैं इसलिए उसको बोल सकते। कितने राशि है भाई ज्योतिष में? 12। ग्रह कितने हैं? 9। इसके गुणना करेंगे तो कितने बनेगा? 108। तो 108 जो है भाव या योग बनते हैं, ठीक है। तो महात्माओं के नाम के पहले 108 लिखते हैं ना, तो उसका सार यही है। ये जो 108 योग बनते हैं, भाव बनते हैं, तो इसका पूर्ण रूप से जिसको ज्ञान है, जो ये 108 योगों को संयमित कर सकता है, नियमित कर सकता है, उनको 108 श्री लगाते हैं। और इसी प्रकार नक्षत्र कितने हैं? 27। एक एक नक्षत्र के कितने पाद हैं? 4। उसका जोड़ से कितने बनेगा? 108। तो नक्षत्र के भी 4 पाद चंद्रमा से संबंधित है उसका, तो उससे भी 108 बने। इसलिए माला में हम 108 रखते हैं, या फिर छोटे जो हाथ में करधन से हम करते हैं कि उसमें कितना रहता है? 27 रहता है। अथवा जहां ये माला अभी डाला है इसमें 54 होता है। पूरे जो है इसी के अंदर घूमते हैं। इसका डबल रखेंगे तो 108 हो जाएगा, तो 4 करेंगे 27। तो हम छोटे माले से जब करते समय आपको 4-4 की गिनती करनी पड़ेगी, क्योंकि वो नक्षत्र के 4 पाद जैसे हैं। इस प्रकार से 108 का बहुत महत्व है। इसीलिए जब करते समय कभी भी माला के बिना जब नहीं करना चाहिए, या फिर अंगुली में गिन करके जो करने की विधि है वो करना, बिना गिने जब करने की विधि नहीं है। कारण क्या है कि एक एक गिनती से जो मन हमारा रुकता है उसको इसी के साथ संबंध है, और इसके साथ शरीर के जो 108 मर्म स्थान है, इसके साथ ज्योतिष का संबंध है, और इसके साथ गायत्री मादा का संबंध है, और इसके साथ सूर्य का, चंद्र का, सबका संबंध है। इस प्रकार 108 एक बहुत महत्वपूर्ण संख्या और शुभ है। ये प्रसंग से मैं बीच में बोला था तो उसको भी आपको सुनाया, समय अधिक हो गया तो आज हमें निकलना भी है, लेकिन बहुत अच्छा अनुभव हुआ, बहुत आनंद का अनुभव हुआ। और सबसे मुझे जो आनंद लगा, यहाँ जैसा एक धार्मिक विधि से कार्य चलना चाहिए बिल्कुल वैसा सात्विक रूप से यहाँ के वातावरण और यहाँ की सारी गतिविधियां हमें लेगी। और ये जो गुरुकुल चला रहे, ये तो हमारे सबसे हमारे हृदय से जुड़े हुए हैं, क्योंकि ये कार्य हजारों साल पहले से चल रहा था। बीच में विधर्म के कारण, विधर्मियों के कारण, परिस्थितियों के कारण, दुस्थितियों के कारण धीरे धीरे समाप्त हो गया। अब ये फिर से चालू कर रहे हैं, और व्यास जी जैसे महानुभाव यदि इसमें लगते हैं तो बिल्कुल आपके अनुकरण करते हुए ये बच्चे तैयार होंगे। यह हमारे संस्कृति के लिए सबसे महत्वपूर्ण कार्य, क्योंकि वेद की रक्षा ही ब्राह्मणत्व से ही रक्षणेन रक्षितो स्याद् वैदिको धर्मः, ऐसा कहा गया। ये भगवान शंकराचार्य जी का वचन, क्योंकि वेद को पढ़ने वाले पढ़ाने वाले नहीं है तो वेद नहीं है। समझो, किताब छपा करके आप लाइब्रेरी में रखने से वेद नहीं होता, मैंने पहले दिन कहा था। वो तो बाद में कोई समझ ही नहीं पाएगा कि क्या चीज है। उच्चारण करने वाले चाहिए। और मैं हर एक सत्संग जहां भी मुझे श्रोता मिलते हैं, मैं एक बात सभी को कुछ साल से लगातार कहते आ रहा हूं, वो भी कह करके मैं बंद करूं, इस विषय में ही है।
कि हमारे यहां ब्राह्मणों को या वेद की रक्षा के लिए अभी जो परिस्थिति बनी है ये तो ठीक है, कभी देश की परिस्थिति अभी सनातन धर्म के और है और एक फिर सनातन धर्म उस वैभव को प्राप्त करने के रास्ते पर चल पड़ा है, कुछ साल में आपको स्पष्ट दिखाई देगा, ठीक है। तो आप जो है जब ऐसे कार्य करेंगे, हमने एक परसेंटेज रखा, आजकल शादियों में करोड़ों में खर्च होता है, लाखों में खर्च करने वाले सामान्य हो गए हैं, करोड़ों में खर्च करते हैं। मैं अपने लोगों को सबको स्पष्ट करता हूं, और उधर शादी का विवाह का सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है, कौन करता है वो कार्य? पंडित जी करते हैं, और पंडित जी को कितना दक्षिणा देता है? तो आप जरा सोचिए, आपके जीवन के इतने महत्वपूर्ण कार्य जो हमारे संस्कृति का मूल आधार है, गृहस्थ आश्रम का मूल आधार है, वैदिक धर्म का आचरण का आधार है, यदि विवाह ठीक नहीं हुआ तो आप सोचो क्या होता है? और बाकी पंडाल लगाने के लिए कितना खर्च करते, बाजा बजाने के वाले को बहुत देते, आडंबर के लिए इतना खर्च करते हैं, और पंडित जी को उस कार्य को करना है, वो उनके बिना नहीं होगा, बुलाएंगे वो कवर में डाल के भेज देंगे, ऐसा नहीं। हमने ये रखा है कि जितने आप कुल बजट बनाते हैं, हमारे शास्त्र के नियम के अनुसार है, उसमें परसेंटेज रखो, ज्यादा नहीं, आप 2% दे दो जितना आप खर्च करते, पूरा शादी का जितना आप बनाएंगे ना उसका 2% भी यदि पंडित जी को देते हैं तो उनका जीवन चलेगा, क्योंकि आजकल एक महीने का एक परिवार चलाने का कितना होता है, हमने अनुभव किया, हम कई लोगों को मदद करते, जबकि हमारा साधु होने के नाते हमको जो भी दक्षिणा मिलता है उसको हम ऐसे ही प्रयोग करते हैं, हमारा तो अपना काम तो ज्यादा नहीं होता है। तो कई बार ऐसा अनुभव हुआ, सुन के आपको बुरा लगेगा, मैं इसलिए नहीं सुनाना चाहता हूं, ऐसी ऐसी परिस्थितियां, पढ़े लिखे पंडित बने लेकिन जीवन चलाने के लिए, घर चलाने के लिए नहीं, क्योंकि एक घर चलाने के लिए आपको काफी पैसा चाहिए, और ये सब कार्य सीजन में होता है, विवाह आदि कार्य कब होते हैं, हमेशा तो साल भर तो नहीं होते। तो आप लोग सभी को, अपने बंधुओं को सभी को ये बोलिए कि आप जब अपने काम कर रहे हैं कम से कम उस समय उनको भरपूर जो देना है दीजिए, तब क्या होता है कि माता पिता उनके बच्चों को भेजेंगे इसको पढ़ने के लिए, करने के लिए, और नहीं कर सकते, एक व्यक्ति एक संस्था ये नहीं कर सकते, पूरे समाज को बदलना पड़ेगा, ये बहुत ही सिंपल कार्य है, ये मैं सबको बोलता हूं, यहां बोलने की आवश्यकता नहीं, पंडित जी तो बैठे हुए हैं तो आप सब करेंगे, लेकिन मेरे इस विषय में मन में आया तो मैंने बोला, बहुत प्रसन्नता हुई, बहुत धन्यवाद देता हूं, समय अधिक हो गया, हमारा गाड़ी थोड़ी विलंब है इसलिए पूरा हो जाएगा, कोई चिंता की बात नहीं है, तो बहुत बहुत धन्यवाद। पहली बार यहां आया तो भगवान की कृपा से भागवत भी श्रवण करने को मिला, कुछ अपने गुरुजनों से श्रवण किए हुए जो बातें हैं उसको आपके साथ विचार रखने के अवसर मिला, बहुत मैं प्रसन्नता अनुभव करता हूँ। ऐसे ही एक कार्यक्रम के लिए कल भी जा रहे हैं, वहां भी एक वार्षिकोत्सव है, वहां भी एक गुरुकुल है, 20-25 बच्चे वहाँ अध्ययन करते हैं, ऐसे ही तो 2 दिन का कार्यक्रम वहाँ है। ओम नारायण। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांतिः। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। नारायण। श्री राधे। श्री सच्चिदानंद भगवान की, श्री वृंदावन बिहारी लाल की।
श्री सतगुरुदेव भगवान की। पूज्य श्री स्वामी जी महाराज ने वेदादि शास्त्रों के आधार पर रास पंचाध्यायिक में भी अद्भुत मर्म बतलाए, सर्वधर्मान परित्यज्य का स्वरूप समझाया और ऐसे संत विद्वानों के भजनों का बारंबार श्रवण करने से ही शास्त्र ज्ञान होता है, शास्त्र में गति होती है। पूज्य स्वामी जी के चरणों में बारंबार हम प्रणाम करते हैं, उनको किन शब्दों में धन्यवाद दें, उन्होंने इस प्रकार से हम सबके ऊपर अनुग्रह किया, जितने भी दिन दिए हैं हमारे लिए तो बहुत बड़ी उनकी समय राशि है। तो इसी प्रकार से कृपा करते रहें, समय समय पर इसी प्रकार अनुग्रह बरसाते रहें, ऐसी हम उनके चरणों में प्रार्थना करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अब उत्तरकाशी में संभवतः 23 अप्रैल से 29 अप्रैल तक हमारा अष्टोत्तर सत्र श्रीमद् भागवत है और वहाँ पुनः मैं पूज्य स्वामी जी का दर्शन वहाँ आकर के करूँगा। इसी प्रकार से बस आपका आना जाना वृंदावन धाम में बना रहे, ताकि पुराणों की कथा तो हम सुनते हैं परंतु ये वेदादि शास्त्रों के सूत्रों को आप जिस सरलता के साथ समझा देते हैं उसमें, और यदि ये प्रसंग हम सुनते रहें आप जैसे आचार्यों को, तो धीरे धीरे उसमें अभिरुचि बढ़ने लगती है। अन्यथा जैसे शुद्ध घी खाने को नहीं मिलता तो अब खाने वाले भी नहीं मिलते, क्योंकि पचता नहीं है। फिर हमको ध्यान है जब हम गुरुकुल में पढ़ते थे, यहाँ यहीं वृंदावन में पढ़े स्वामी कृपात्री जी महाराज के गुरुकुल में, तो स्वामी जी महाराज ने एक यहाँ पर श्री रामानुज प्रपन्नाचार्य जी महाराज थे, तो उनसे कहा कि आप भागवत सुनाया करें 1 घंटे। तो शाम को 4 से 5 उनका प्रवचन होता था और स्वामी कृपात्री जी महाराज के एक प्रमुख शिष्य थे श्री केशवानंद सरस्वती जी महाराज, उनकी नेत्र ज्योति चली गई थी, तो दास को उनकी सेवा का सौभाग्य मिला। तो वो स्वामी जी मुख्य श्रोता बन के सुनते थे, बाकी सब विद्यार्थी बैठते थे और रमण रीति में उस समय गिने चुने संत थे वो सब आकर के सुनते थे। तो मुझे ध्यान है कि हम लोग विद्यार्थी थे ऐसे, तो पल्ले तो कुछ पढ़ता नहीं था पर फिर भी बैठ के सुनते थे। हम भागवत पढ़ने कभी नहीं गए अलग से, केवल उन्हीं का सुनते सुनते संस्कार मन में उपस्थित हुए। तो इसलिए ऐसे, और फिर वहाँ पर जो कथा होती थी वो साप्ताहिक तो नहीं होती थी, लगभग 2-2 वर्ष तक वो पूरा एक पारायण हो पाता था। कभी कभी एक श्लोक में ही बहस छिड़ जाती थी सिद्धांतों के ऊपर, लगे सभी टीकाओं के चर्चा, श्रीधरी स्वामी जी के, श्रीधर स्वामी जी की टीका और भी जितनी टीकाएं हैं, हाँ बल्लवाचार्य जी की, और सभी टीकाओं पर चर्चा होती थी। तो अब वो एक एक श्लोक पर कई दिन तक चर्चा होती थी, हम लोगों को भले ही समझ में नहीं आता था पर सुनते रहते थे। तब हमको लगा कि सुनते सुनते समझ में आना प्रारंभ हुआ। इसलिए सूक्ष्म संस्कार सुनने से बैठते हैं, बालकों को भले ही समझ में ना आता हो पर जो आपके सूत्र सुन रहे हैं, आपकी जो समीक्षाएं सुन रहे हैं, वो सूक्ष्म रूप से बुद्धि में कहीं ना कहीं अपना स्थान बीजारोपण कर रही हैं, जो समय आने पर अंकुरित होते हैं। हाँ हाँ वो जिज्ञासा भी बढ़ती है। तो इसलिए आप जैसे महापुरुषों की वाणी ऐसे ही सुनने में आती रहे, आपकी कृपा बनी रहे, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं। बोलो सच्चिदानंद भगवान की।